इंदौर के नेहरू स्टेडियम में इस वक्त एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जहां आदिवासियों के नायक टंटिया मामा की शहादत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें कि अंग्रेजों से लोहा लिया था इन्होंने और आज ही के दिन उन्हें फांसी दी गई थी और इसी को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम है मध्यप्रदेश में, क्योंकि चुनाव भी हैं, बहुत लंबा वक्त नहीं है, लिहाजा सरकार आदिवासियों का समर्थन पाने के लिए भी पुरजोर कोशिशें कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय तो आदिवासियों के रॉबिनहुड के नाम से इन्हें जाना जाता है, आदिवासी क्रांतिकारी में बड़ा कदम इनका टंटिया मामा, और आज गौरवान्वित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। माननीय मंगू भाई पटेल जी का जोरदार तालियों से स्वागत करी माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने श्रद्धा सुमन। तो ये देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे हैं नमन करते हुए, और अंग्रेजों से लोहा लिया था, आज के दिन ही उन्हें फांसी दी गई थी, लिहाजा आज के दिन मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री थे वो यहाँ पहुंचे, नमन किया, पुष्प चढ़ाया। इंदौर में क्रांतिकारी टंटिया मामा को श्रद्धांजलि देते हुए शिवराज सिंह चौहान। ऑफिशियल्स यहाँ व्यवस्था में है वो ध्यान दें। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव इस बार दिलचस्प होंगे, चारों तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं और ऐसे में मेहमान भाई बहनों को आदिवासी वोटरों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। चौराहे की पट्टिका का अनावरण जोरदार तालियों से, इस पट्टिका का स्वागत, कल से हम सब इस चौराहे को जानेंगे टंटिया भील चौराहा, इंदौर के नाम से यह चौराहा अब जाना जाएगा। तो लीजिए इस चौराहे को मिली एक आज से टंटिया भील चौराहा इंदौर, आज से हम ये कहेंगे कि अब हमारा ये चौराहा है टंटिया भील चौराहा इंदौर। आदरणीय बहनों भाइयों, मैं माननीय भवरपुरा चौराहे के बाद अनुरोध करूंगी कि कृपया माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी से मेरा सादर अनुरोध, कृपया मंच पर आकर स्वागत भाषण और अपना उद्बोधन दे, आयोजन की जानकारी दे। ऑडियो कंट्रोल, ऑडियो थोड़ी सी देर म्यूट करिए जरा। माननीय